दोस्तों सेक्शन 9 की सीरीज चल रही थी, उसमें पूरे टॉपिक कवर कर दिया था, लेकिन एक महिलाओं की तरफ से एक रहा था कि सर मैं 498 भी कर दी, डीवी भी कर दी, मेंटेनेंस भी कर दी, लेकिन अब मेरा केस बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे तो मेरे पति के साथ रहना, तो क्या मैं सेक्शन 9 कर सकती हूँ? देखिए, आप सेक्शन 9 कर सकते हो, लेकिन आपका सेक्शन 9 का यहाँ पे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। सिविल केस आपका, पहली बात आपने क्रिमिनल केस कर रखे हैं 490 टाइप के, कोर्ट में आपको बिल्कुल उसमें अगर आपके उपस्थित हो जाता है, आपका हस्बैंड आ जाता है वहाँ पर, कह देता है कि साहब मेरे पे तो ऑलरेडी से क्रिमिनल केस कर रखी है, तो कैसे रह सकती है? कुछ ना कुछ षड्यंत्र की वजह से आएगी, कुछ ना कुछ एविडेंस बनाने के लिए आएगी, तो कोर्ट आपको सेक्शन 9 की डिग्री नहीं देगा, ना ही घर में जाने के ऑर्डर देगा। पहले आपको 490 टाइप का केस है, जो डीवी केस है, डीवी में या तो ऑर्डर पास कराइए जल्दी से जल्दी, सेक्शन 9 आपका घर नहीं बच पाएगा, वो सेक्शन 9 का आपका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बात मैं बार बार कहता भी रहता हूं आपको भाई, सेक्शन 9 होने के बाद, सॉरी 498 होने के बाद आप सेक्शन 9 करते हो महिला की तरफ से, तो उसमें कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला आपको। आपको पहले करना है, या तो आपको डीवी करो या आपको सेक्शन 9 करो, इन सिचुएशन के बाद आप 498 कर देते हो तो फिर आपको वहाँ पे रिलीफ नहीं मिलने वाला। सेक्शन 9 में आप ये सोचते हो एक्सपायरी हो जाएगा तो मेंटेनेंस जल्दी बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने 498 कर दिया तो उसे फाइट करना पड़ेगा या विड्रॉल करना पड़ेगा, बैठ के करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए। सेक्शन 9 की कोई वैल्यू नहीं है, ना ही सेक्शन 9 आपके पास एक्सपायरी ऑर्डर भी हो जाता है तो उसमें हस्बैंड के पास एक ऑप्शन है कि साहब मेरे पे ऑलरेडी से क्रिमिनल केस हो रहे हैं, 498 जैसे मेरे पे केस चल रहे हैं, तो मैं कैसे रख सकता हूँ इस सिचुएशन में? पहले इनको क्लियर होने दीजिए कोर्ट में, जो आरोप प्रत्यारोप लगाए इनको साबित करें, उसके बाद बिल्कुल रहे, ऐसा भी है। अब जब आपके झूठे हो जाएंगे, सच्चे हैं तो बिल्कुल आप आओगे, झूठे हो जाओगे तो क्रिमिनल उस पे मेंटल क्रूल्टी के आधार पे जाके डाइवोर्स ले लेगा, तो आपकी बात नहीं बनने वाली। कुल मिलाकर आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप 498 केस कर दिए हों और उसके बाद सेक्शन 9 करोगे तो इसका इतना ज़्यादा महत्व नहीं होगा। एक्सेप्ट तो हो जाएगा, आपका बहस भी हो जाएगी उस पर, लेकिन कोर्ट कहीं ना कहीं से रोक लगा देगा उस पर कि यार आप 490 टाइप का केस कर रखे हो इस पर और क्रिमिनल टाइप के केसेस लग रहे हो, बहुत संगीन आरोप लगा रखे हो, तो इस सिचुएशन में आपको ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। इस सिचुएशन में आप रह भी कैसे सकते हो? आपने एलिगेशन लगा दिया सास ससुर के ऊपर, ससुर छेड़ाछाड़ी का, देवर का, हस्बैंड की डिमांडों का, सभी का लगा दिया, तो फिर आपका पॉसिबल है ही नहीं उस सिचुएशन में, आप कैसे रह पाओगे? तो पॉसिबल नहीं है ना उस सिचुएशन। तो इससे बेटर है कि आप लोग इसको छेड़िए मत, सेक्शन 9 के बाद 498 फोकस करें, लोक अदालत वगैरह से, हाईकोर्ट की काउंसलिंग वगैरह वहाँ से खत्म हो जाएगा। प्रॉपरली एक वीडियो बनाऊंगा मैं, लोक अदालत और हाईकोर्ट की काउंसलिंग होती है उस पे एक अच्छा टॉपिक बनाऊंगा, जो महिलाएं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित रहती है, पुरुष भी काफ़ी प्रताड़ित रहते हैं उसको लेके, कि हम केस में फर्स्ट हो गए लेकिन अब शॉर्ट आउट जल्दी कैसे करें, तो उसका ऑप्शन मैं बताऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, शॉर्ट आउट में बताऊंगा, आप सबको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।